नमस्कार, मैं अजय। तो जी, कल का जो दिन था 9 तारीख का, वो सर इसी दीवाने के लिए इतिहास रखने वाला था। सर काफी पार्टियों के अंदर उठक पटक चल रही सर, सब काम कल डेट टू कट है सर। लेकिन सर एक सिस्टम जो 5 के अंदर उड्डा साहब मुख्यमंत्री बने थे, उससे 14 तक रहे थे, तो उन्होंने कहा जाता था कि भिवानी को एक अति पिछड़ा हुआ एरिया उन्होंने घोषित किया हुआ है। चाहे झज्जर की बात हो, चाहे वो पानी सोनीपत की बात हो, चाहे जीती बेल्ट की बात हो, वहां पे विकास दिख रहा था। भिवाड़ी का नाम का विकास सर रुका हुआ था कि खरकड़ी मोड़ से जाने के बाद में, कदम से पहले कह रहे थे कि ये एरिया पाकिस्तान में बना हुआ, वो हुड्डा की गढ़ में था, तो वो उन्हें स्वर्ग बनाया हुआ था। लेकिन सर जिस प्रकार से कल का मैंने प्रोग्राम देखा सर हुड्डा साहब का, सर दो हल्के दादरी और भिवाड़ी सर, ना दादरी और बाड़ला सर, और चेयरमैन चार हल्के सर यहाँ के मेहनत कर रहे थे सर। सर इनकी जो मेहनत है सर, वो एक अलग ही कुछ बयां करने लग रही है सर। सर ये राजनीति का जो रुख है सर, ये ऊंट है सर राजनीति का, सर ये किस ओर तो करवट ले रहा और सर किस ओर ये जाके बैठने की तैयारी कर रहा सर। इससे बढ़िया, आपसे बढ़िया सर मुझे बता कौन सकता सर, क्योंकि लोगों की आप पर निगाह रहते हैं सर, आप एक बिल्कुल सटीक विश्लेषण करते हैं सर। नमस्ते। नमस्कार। कल भूपेंद्र हुड्डा एक नए रूप में भिवानी में आए, क्योंकि अबसे पहले जब भी भिवानी आते थे तो कहीं ना कहीं किरण चौधरी और भूपेंद्र हुड्डा दोनों के बीच में खिंचाव दिखाई एक टैग था देता सर, था। टैग। उनके दिमाग में भी ये रहता था, भूपेंद्र हुड्डा के भी, ये किरण चौधरी का इलाका है। इलाका है। और 2000 जब 5 से 14 तक का सरकार थी, तब भी ये रहा कि भाई किरण चौधरी ज्यादा पसंद नहीं करती थी कि उनके इलाके में बिना उनकी अनुमति के कोई हस्तक्षेप हो किसी करेक्ट। प्रकार का। कांग्रेस में किरण चौधरी भी अच्छी मजबूत थी और हुड्डा भिवानी और शैलजा के कुछ इलाकों को छोड़ के बाकी हरियाणा में घूमते थे बेबाक होकर। लोकसभा चुनाव के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा भिवानी आए, लेकिन यहाँ तक सीमित रहे कि वर्कर मीटिंग उन्होंने की अपनी। हाँ, इससे पहले लास्ट ईयर एक उन्होंने पहली बार भिवानी जिले में लोकसभा स्तर की एक बैठक की थी। उस वक्त भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि किरण चौधरी इस बैठकों के खिलाफ आवाज उठाएंगी वहां पर पार्टी हाईकमान के समक्ष। अब की बार भूपेंद्र हुड्डा के लिए मैदान खाली था, दादरी का भी और भिवानी का भी, और खासतौर पर जिस प्रकार से 5 सीटें लोकसभा की बीजेपी जीती है और 5 कांग्रेस जीती है, भूपेंद्र हुड्डा भी हौसले में है। क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक 4 जिनमें से सांसद जीत के आए हैं हरियाणा के अंदर, तो स्वाभाविक है हौसला बढ़ना भी। राजनीति में देखो नंबर गेम है, आप जिसके पास नंबर ज्यादा है उसका हौसला ज्यादा है, उसी के हाथ में पावर ज्यादा है। तो भूपेंद्र हुड्डा के हौसले का भिवानी में खासतौर पर कारण ये भी था कि अब तक उन पर ये टैग भी लगता रहा, अभी भिवानी में ये नहीं किया, भिवानी में वो नहीं किया। परंतु अब की बार आपने देखा होगी दादरी और बाटड़ा में तो कांग्रेस बहुत ज्यादा वोटों से जीती, फिर यानी कि पुराने भिवानी जिले में, फिर लोहारू में आ जाओ वहां कांग्रेस जीत गई आपका, तो शाम 7-8 हजार वोटों से हारी है। और जहां भिवानी जहां 65 हजार वोटों से हारी थी कांग्रेस, वहां 27-28 पे रह गई हजार से हारी है। तो कांग्रेस की स्थिति इंप्रूव हुई है भिवानी और दादरी जिलों में, तो इसका कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक हुड्डा जी को फायदा मिला। सर इसमें मैंने कल एक बात और नोट की सर, जो कभी बंसीलाल जी के जो किंतु दरी साहब में दिखते ना कार्यकर्ता सर, कल वो हुड्डा साहब के पक्ष में आके सर नारे लगा रहे थे, उनके अंदर से बड़ा एक उत्साह नाम की चीज थी सर। यानी ये था कि सर पता नहीं उनको सर क्या चीज नहीं मिलेगी सर, तो ये थोड़ा विस्तार बताए सर। देखो ये एक्चुअली जो जो बंसीलाल पुराने कांग्रेस के लीडर रहे हैं, उनके साथ कई लोग ऐसे थे जो बाद में किरण चौधरी जी के साथ चले गए, उनके अंदर कांग्रेस की जड़ें हैं, उनकी कांग्रेस में जड़ें हैं एक तरह से। अब वो किरण चौधरी जी चली गई भारतीय जनता पार्टी में, तो वो ने उनका टेम्परामेंट नहीं मिलता भाजपा से। जिस आदमी ने 40 साल, 45 साल, 25 साल भाजपा के खिलाफ राजनीति की है और कार्यकर्ता हैं, उनको तो ये तो है नहीं भाई यहाँ बहुत कुछ मिल रहा था या वहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा। कार्यकर्ता तो एक भावना से जुड़ा होता है, तो वो भावना से भाजपा से कांग्रेस से जुड़े थे। तो वो अब जैसे ही किरण चौधरी जी वहां चली गई, तो वो कांग्रेस में रह गए कई कार्यकर्ता, और उन्होंने
इस चीज को जो फैक्ट है कि आज हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा का कद कांग्रेस में सबसे बड़ा है, आप इस बात को इनकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा की लीडरशिप को एक्सेप्ट कर लिया और कल यही कारण था। अब जैसे भिवानी की आपकी वर्कर मीटिंग है, जो आयोजकों ने सोची थी भीड़, उससे डेढ़ गुना ज्यादा भीड़ आई, क्योंकि उसके कारण है कि पहले तो क्या होता था कि कांग्रेस यहाँ पर गुटों में बटी थी, किरण चौधरी जी का गुट है, ये भूपेंद्र हुड्डा जी का गुट है। अब भूपेंद्र हुड्डा जी को पूरा प्लेग्राउंड मिल गया। ठीक है सर, ये जिस प्रकार से किरण चौधरी समर्थित सर, लेकिन सर वो अब हुड्डा साइड में साथ साथ आज के सर, लेकिन किरण चौधरी साथ में भाजपा साइड में नहीं गए सर, ये क्या? वो कांग्रेस के वर्कर है ना, वो चौधरी बंसीलाल के टाइम से कांग्रेस से जुड़े थे, वो बीच में विकास पार्टी में गए थोड़े दिन, परंतु उनकी सोच कांग्रेस की थी, तो वो किरण उनका मन नहीं माना बीजेपी में जाने के लिए, वो कांग्रेस में रह गए। अजय जी ये नहीं होता, आप ये नहीं है कि आप कई बहुत लोग ऐसे होते हैं वो सिर्फ लीडर के साथ इसलिए नहीं लगे होते कि उन्होंने लीडर के साथ ही मूव करना है। कई लोग ऐसे भी होते हैं वर्कर जो पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, उनका भावनात्मक जुड़ाव पार्टी से है, तो वो लोगों ने किरण चौधरी जी का फैसला उनको नहीं रास आया, उन्होंने किरण चौधरी जी अकेली नहीं गई हैं, ऐसे भी वर्कर थे जो किरण चौधरी जी के साथ गए, और ऐसे भी हैं जिन्होंने उनको छोड़ के कांग्रेस को एक्सेप्ट करना जरूरी। अब कांग्रेस को जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो इस इलाके के अंदर लीडरशिप किसके पास है? भूपेंद्र हुड्डा के पास है, क्योंकि भिवानी में जब लोकसभा का कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा जी का था दान सिंह, और दान सिंह भिवानी जिले और दादरी जिले में अच्छे वोट ले रहे हैं, तो वो स्वाभाविक है हुड्डा गुट में ही जाएंगे ना, तो वो कल उन्होंने अपना शक्ति परीक्षण में हुड्डा जी की तरफ आ गए वो सारे। सर अभी एक बात का सर पर्दा और उठाना काम करा सर, अब सर जिस दो खेमे थे सर, किरण चौधरी का हुड्डा साहब का, लेकिन सर जो किरण चौधरी खेमे को जो थे कंडिडेट जो लोग थे सर कार्यकर्ता थे सर, सर जिज्ञासा तो उनके अंदर भी सर मैं भी एमएलए का दावेदार हूँ या मैडम टिकट मुझे दिलाने का काम करेगी, इस तरह की बातें, लेकिन सर अब वो हुड्डा खेमे में जाने के बाद में सर मैंने तो सर उन्होंने बड़ी तपस्या कल के रैली को देखते हो तो सर वो क्या तीर्थार्थी मैंने कि वापस जा पाएंगे सर हुड्डा के पास? क्यों नहीं चेंज कर रहे हो? आज कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया, आपके उदय भान जी ने तो मंच से ही कह दिया, जेपी ने भी मंच से कह दिया, भाई जो सर्वे में जो कैंडिडेट सर्वे में जिनके नाम ऊपर आएंगे उन्हीं को टिकट मिलेगी। अब अगर जो जो लोग पुराने कांग्रेस के थे जो किरण चौधरी जी के साथ भी जुड़े हुए थे और आज वो कांग्रेस में ही रह गए हैं वापिस, सर्वे में अगर उनका नाम ऊपर आएगा तो वो भी दावेदारी में आ जाएंगे, और आप एक नए घर में आते हो तो आपको थोड़ा समय लगता है एडजस्ट करने में, घर में नई बहू आती है वो भी धीरे से उसको भी समय लगता है अपने आप को एडजस्ट करने में, वो फिर बाद में जब एडजस्ट हो जाती है तो वो घर के अन्य मेम्बरों की तरह हो जाती है। तो जो किरण चौधरी जी का ग्रुप छोड़ के इधर आए हैं तो वो भी धीरे धीरे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। आप ये देखो कि यही लोग आज से अभी जुमा 20 दिन पहले तो किरण चौधरी जी ने पार्टी छोड़ी है, और 20 दिन में ही आप देखो वो लोग भूपेंद्र हुड्डा के मंच पे भी आ गए, उन्होंने वहाँ काम भी किया, तो धीरे धीरे एडजस्ट कर लेंगे और धीरे धीरे वो टिकट की लाइन में भी आ जाएंगे। सर एक बात मैंने और नोट की सर राव दान सिंह बारे में, सर जिस प्रकार से चार हल्के तो अपने डुआने पकड़ते सर, दो दादरी बाड़ा पकड़ लेकिन सर अब की बार देखें सर जो चुनाव हारने के बाद भी राव दान सिंह का जो कद है सर वो बढ़ता जा रहा, चाहे चारों इन्हीं विधानसभा के अंदर हो चाहे दो दादरी बाड़ा की विधानसभा, लेकिन क्या मानते हैं सर अब राव दान सिंह खुल की बैटिंग करने को तैयार है या फिर या नया नेतृत्व तो मिला सर किरण चौधरी जगह राव दान सिंह चेहरा बन के आएंगे आगे सर किस पत्र? देखो दान सिंह को भूपेंद्र हुड्डा जी ने भिवानी पार्ली भिवानी महेंद्रगढ़ पार्लियामेंट का एक साल पहले कोऑर्डिनेटर बनाया और उनको फिर टिकट भी मिला और उनको भिवानी जिले में जनसमर्थन भी अच्छा मिला, दादरी में भी अच्छा जनसमर्थन मिला, तो आदमी को जिसको वोट मिल जाएंगे उसकी तो ताकत है वोट, वो मिल गए। अब से पहले जब किरण चौधरी जी यहाँ थी तो उनके लिए खुलकर बैटिंग करना बड़ा मुश्किल था, स्वाभाविक है एक बड़ी नेता है यहाँ पर, तो दान सिंह जी अगर यहाँ तक कि दान सिंह आप ये देखो अगर दान सिंह का मन था यहाँ से लड़ने का या तो उनको तो भूपेंद्र हुड्डा ने कहीं ना कहीं बताया ही होगा चुनाव के लिए, वो फिर भी हिम्मत नहीं कर पाते थे कि भिवानी के अंदर खुल के कंपेन करें चुनाव से पहले, वो सिर्फ चुनाव में ही आगे उन्होंने यहाँ कंपेन किया, तो अब तो उनको प्ले ग्राउंड खुला मिल गया, अब उनको कोई रुकावट नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, और स्वाभाविक तौर पर जो भिवानी के अंदर अन्य नेता हैं कांग्रेस के
उनसे दान सिंह का स्टेचर थोड़ा बड़ा है। एक तो वो प्रेजेंट एमएलए हैं, एक उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है और काफी बड़ी मात्रा में वोट भी लिए हैं। थर्ड, वो भूपेंद्र हुड्डा के नजदीकी हैं, तो ऐसे में दान सिंह का कद इस इलाके के अंदर या पूरी पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस में बढ़ना लाजमी है। सर, दान सिंह कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा और एक अहम भूमिका निभाएगा छह हल्के के लिए। सर देखो, एक हल्का तो चला जाएगा आपका बौनीखेड़ा, तो अलग उसमें तो जेपी, नो डाउट वहां जेपी जीते हैं, तो जेपी की भूमिका टिकट में, मतलब ये देखो कांग्रेस की एक बात तो मैं आज क्लियर करके दे दूं आपको, कांग्रेस अब की बार 90% टिकटें इस तरह नहीं देगी कि भाई अजय ने कह दी इसको दे दो और इसने कह दी इसको दे दो, ना एक्स वाई जेड नहीं। राहुल गांधी इस मूड में है कि सर्वे जो रिपोर्ट्स आएंगी, हाँ पहले सर्वे रिपोर्ट्स को कंसीडर करेंगे। अब राहुल गांधी भी तो एक ओपोजिशन के लीडर मजबूत होके उभरे हैं ना, तो उन्होंने लोकसभा में आपने देखा होगा मैक्सिमम टिकटें हरियाणा में कांग्रेस ने अच्छी बांटी थी, तभी तो कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं। और जो हारी भी हैं, चाहे इंडिया गठबंधन वाली सीट कुरुक्षेत्र की हारी है, तो 25-30 हज़ार वोटों से हारे हैं, ये भिवानी की सीट 40 हज़ार वोटों से हारे हैं, तो कांग्रेस की स्थिति तो अच्छी थी, इसका तो टिकटें ठीक थी। तो अब विधानसभा में की भी टिकटें क्लियर करना शुरू कर दिया हाईकमान ने, भाई जिसका नाम सर्वे में आएगा, राहुल गांधी इस चीज़ से कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। हाँ 19-20 एडजस्टमेंट होती है, कई बार विनिबिलिटी भी देखते हैं, साथ में इलाके के अंदर उसकी क्या एक्सेप्टेबिलिटी है बंदे की, या वहाँ का कास्ट समीकरण उसको कितना सूट कर रहा है, वहाँ की लीडरशिप कितनी उसको सपोर्ट कर रही है। नो डाउट 19-20 तो मदद में करेंगे ये लोग, चाहे दान सिंह हो, चाहे जेपी हो, चाहे मुलाना हो, बट टिकटें तो ज्यादातर सर्वे के आधार। सर आपकी और मेरे हिसाब से लगता नहीं कि भाई भतीजावाद में चलेगा सर, ये चलता है कांग्रेस पे बहुत गहरे आरोप लगते रहे हैं भाई भतीजावाद के, तो यही कारण है तो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे ले जाती थी कांग्रेस को, तो कांग्रेस ने अब भाई भतीजावाद के आरोपों से बाहर आके कोशिश, कांग्रेस जिस तरह से प्लानिंग लग रही है उनकी कि टिकटें अब की बार ये नहीं कि ये इसका भतीजा है, ये इसका बेटा है, ये इसका दामाद है, इस तरह टिकटें नहीं देने वाले वो अब की बार टिकटें मेरिट पे जांच पर रख के देंगे। जिस प्रकार से सर आपने कल बात सुना, सर इनका प्रदेश अध्यक्ष उदय भांजी का, सर उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में सर एक कुछ चेतावनी देने का काम किया स्टेज के ऊपर से, सर तो सर उस चेतावनी का सर क्या महत्व समझे कार्यकर्ता, किस प्रकार समझे, क्योंकि सर भिवानी का प्रोग्राम था सर, मैंने वो भी देखा सर, मैंने दादरी का प्रोग्राम देखा सर टीवी के ऊपर, न्यूज के ऊपर, लेकिन सर डिसिप्लिन नाम के सर दादरी में थे सर, भिवानी में ऐसा कुछ नहीं था, भिवानी सिर्फ नमस्ते थी सर। एक चेहरा दिखाने की प्रथा ज्यादा है जी सर, भिवानी में कांग्रेस के अंदर जो कई टिकटार्थी हैं वो चेहरा दिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, और उदय भांजी ने इनडायरेक्ट उनको चेताया भी है। लोकसभा चुनाव में ये रिपोर्ट पहुंची है भूपेंद्र हुड्डा जी के पास भी, उदय भांजी के पास भी, दान सिंह ने भी पहुंचाई है, यहाँ के कई नेता ऐसे थे कि जो सवेरे सवेरे नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के वहां पहुंच जाते थे दफ्तर में, वहाँ पार्टी कार्यालय में जब प्लानिंग होती थी वहाँ खड़े हो जाते थे, फिर अपना जाके 46-47 डिग्री टेम्परेचर में घर जाके सो जाते थे, 6 बजे शाम को जब फिर पार्टी मीटिंग का टाइम होता था फिर अपना नहा धो के अपना कंघी करके फिर वहाँ पहुँच जाते थे। भिवानी ने ये चीज़ इस चीज़ का कांग्रेस को खामियाजा भुगतना, अगर भिवानी में अगर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने थोड़ी और मेहनत की होती तो कम से कम मैं आपको आज बताऊँ भिवानी में कांग्रेस 27 की बजाय 15,000 वोटों से हारती, और इस बात को लेकर नेतृत्व खफा है, और भिवानी के अंदर ये बीमारी है कि भाई चेहरा ज्यादा दिखाओ जी, इसीलिए आपने मंच में देखा हो उन्होंने कहा, उदय भांजी ने बोले एक कैंडिडेट तो खुद तो चढ़ा हुआ है, 5-5 अपने साथ लेके चढ़ा हुआ है, तो बोला कि उन्होंने एक इनडायरेक्ट मैसेज भिवानी, ये मैसेज खासतौर पर भिवानी विधानसभा के लोगों के लिए था कि तुम लोग अपना चेहरे दिखाने के बजाय काम कर लो, और ये रिपोर्ट अब हाईकमान तक पहुंच चुकी है कि यहाँ किसने काम किया और किसने नहीं किया। एक तो टिकट के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, और आगे से जब भी कांग्रेस, अगर जैसी कांग्रेस मान रही है वो अगर उनकी सरकार बनती है तो ऐसे लोगों को ज़्यादा तरजीह नहीं मिलेगी। सर एक चीज़ और नोट कर लेते, चाहे हुड्डा साहब की हो, चाहे वो उदय भांजी की हो, चाहे जेपी की हो, चाहे किसी और आपके राव दान सिंह की, सर उन्होंने एक बार भी कहीं किन चौधरी का नाम नहीं लिया, यानी सर या अब की बार जो खटास पटास की बातें हैं सर वो भूल चुके, या नेता का नाम लेना नहीं चाहते, सर क्या मानते हैं? एक्चुअली भूपेंद्र हुड्डा
शुरू से नाम नहीं ले रहे हैं, आज से नहीं है, कई लंबे समय से ये उनकी एक स्ट्रेटेजी है। हाँ, आज और नेताओं ने भी नहीं लिया, हो सकता है ये कोई इनकी स्ट्रेटेजी रही होगी कांग्रेस की, क्योंकि उनका मतलब ये होगा कि ज्यादा चर्चा करने से हो सकता है कि कई चीजें उल्टा उनको भी इफेक्ट करेंगी, या फिर वो आपने राजनीति में किसी चीज को खत्म करना हो ना तो आप उसकी चर्चा बंद कर दो, वो जान करके भाई अपने सर्कल में, कांग्रेस सर्कल में उस चर्चा को खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने जान करके मेरे को लगता है नाम नहीं लिया। सर इस चीज को सर इसका फर्क भी है सर, जानबूझ के किसी ये है कि उस नेता को याद करेंगे तो बातें आएंगी तो क्या होगा उससे, विद इन कांग्रेस कहीं ना कहीं उथल पुथल तो मचती है ना, और भूपेंद्र हुड्डा चाहते नहीं है कि भाई इस चीज को ज्यादा वजन दिया जाए, किरण चौधरी जी के जाने से पार्टी को ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, वो ये मैसेज देना चाहते हैं। सर जिस प्रकार से कल मुद्दे बांधे चेता है सर, लगता है सर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के बारे में एक सटीक भविष्यवाणी कर देना कि एक आया उसके साथ में 20 और चढ़े हैं, सर ये लगता है कि ये भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके जा सकती है सर, ये बातें भी कांग्रेस को कमजोर कर सकती है सर विधानसभा चुनाव के अंदर। सर वो तो उन्होंने कह दिया ना भाई भिवानी के अंदर ये समस्या है, आप अकेले भिवानी में नहीं है, एक दो जिलों में और भी है, ये हर एक पार्टी के नेता ने देखी है, और खासतौर पर भिवानी में उन्होंने विधानसभा चुनाव में ये चीज महसूस की है कि भिवानी के अंदर चेहरे दिखाने वाले ज्यादा थे, काम करने वाले कम थे। अगर भिवानी के सभी नेता जी सर घर से निकलकर डोर टू डोर कंपेन करते, कम से कम भिवानी के अंदर जितने टिकटार्थी हैं इतने भिवानी दादरी में कहीं नहीं है जी सर। आपके भिवानी शहर में अकेले में 15 टिकटार्थी हैं जी सर। अगर ये घर डोर टू डोर जाके कंपेन कर लेते तो पार्टी का 10,000-15,000 वोट बढ़ जाता। ये तो मैंने आपको बताया ना, सवेरे ना धो के आते थे और शाम को फिर ना धो के आते थे, दिन में सोते थे, वही लोग टिकट मांगने वाले, ना धो के टिकट मांगने वाले, मुश्किल से 2-4 ऐसे थे जो मैदान के अंदर दिखाई देते थे। सर मैं एक सवाल भूल गया, रोक रहे अहम सवाल है सर, बड़ा बारीक कर दिया हुआ शुरू। सर मैंने कल एक सर मैं ना तो स्टेज के पास गया ना मैंने नेताओं को ज्यादा भाषण में दिलचस्पी दिखाई, मैं सर आम जनता के बीच में था सर, लोकल एंड में बिल्कुल रोड से लेके मैं बिल्कुल सर लोगों ने कहा, लोगों को बिल्कुल सटीक बात ये थी, लास्ट की बात है अगर कांग्रेस पार्टी सही 43 टिकट देती है तो जीत सकती है, अन्यथा वही सिस्टम रहा ये मेरा ये 13 सुदम रहा तो कांग्रेस पार्टी अब की बार भी कहीं ना कहीं हाथ धो सकती है सत्ता से बाहर होने के लिए। सर क्या मानते हैं? ठीक बात है अजी जी, कांग्रेस आमतौर पर चुनाव के अंदर 25% सीटें तो भाई भतीजावाद के कारण हारती, ग्रुपिज्म के कारण आती है, ये मेरा ग्रुप है ये तेरा ग्रुप है ये तेरा ग्रुप है, उसमें क्या होता है कि जो अच्छे दावेदार हैं जो जिताऊ कैंडिडेट हैं कई बार वो रह जाते हैं, और चमचे जो होते हैं नेताओं के वो कहीं टिकट ले आते हैं और फिर वो उनको जनता धूल चटाती है। तो अब की बार जनता ये देख रही है कि कांग्रेस किसको मत देखो, जनता कांग्रेस के की स्थिति में सुधार आया है, परंतु ये सुधार तभी मेंटेन रहेगा जब कैंडिडेट ठीक आएंगे, अगर कैंडिडेट ठीक नहीं होंगे तो स्वाभाविक है तो कांग्रेस को बुरे टाइम भी देखना पड़ेगा। सर इस प्रकार से सर कल हुड्डा गए साहब के भिवानी जिले ने, दादरी जिले ने आत्म मजबूत किए सर, एक अपनापन दिखाया सर, बढ़ चढ़ के दिखाया सर, जो ना पॉसिबल नाम चीज नहीं थी इन्होंने पॉसिबल नाम करके दिखा दिया भिवानी दादरी वालों ने। सर लगता है कि वास्तवता में हुड्डा अब इस देख के ऊपर एक सही मायने में अच्छे से कैंडिडेट को टिकट देना काम करेगा और कहीं ना कहीं फाइट दे पाएगा भाजपा को? सर देखो भिवानी जिले में जितने भी टिकटार्थी हैं उनमें से 99% हुड्डा खेमे के हैं जी। अब ये तो स्वाभाविक है कि टिकट तो इन्हीं में से है जी सर, अगर टिकट हुड्डा जी गलत बांटेंगे तो फिर जिस हिसाब से वो सोच रहे हैं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री तो वही बनेगा ना जिसके एमएलए ज्यादा होगा, अगर गलत टिकटें बांट दी तो फिर एमएलए नहीं बनेंगे तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो इसलिए हुड्डा को पता है। और सेकंडली उन्होंने ताज़ा किरण चौधरी जी कांग्रेस छोड़ के गई हैं, हाईकमान को वो ये भी दिखाना चाहेंगे कि किरण चौधरी जी के बगैर भी मैंने कांग्रेस की ये सीटें जितवाई, तो वो इसलिए चाहेंगे कि कैंडिडेट अच्छे आए और जिताऊ कैंडिडेट हों, तभी तो वो कह रहे थे बार बार कि आप मेरे को यहाँ की सारी सीटें दे दोगे तो मैं मुख्यमंत्री पद तुम्हारे को दे दूंगा, तो वो तो उनके लिए भी
जीवन मृत्यु का प्रश्न है, उनको भी सोच के टिकटें देनी पड़ेगी। सर अब की बार जो हम 4 से 6 सीटों की बात करें सर, तो अब की कांग्रेस वो पुराने वाली गलतियां नहीं करेगी करेगी सर, और भाजपा को टक्कर दे पाएगी सर? राजनीति में सभी संभावनाएं हैं, हम ये नहीं कह सकते गलतियां नहीं करेगी। अगर अगर गलतियां करेंगी तो फिर मुंह की खानी पड़ेगी, गलतियां नहीं करेंगे तो स्वाभाविक अच्छी स्थिति में रहेंगे, मुकाबला रहेगा। इस प्रकार से दादरियों भी ने दम दिखाया सर, कार्यकर्ता सम्मेलन को सर इन्होंने रैली का रूप दे दिया सर, सर आपको क्या कहना लगता है सर? देखो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों जगह जिस प्रकार से वर्कर्स की भीड़ उमड़ी उससे एक ये जोश दिखाई दिया, सिर्फ वर्कर की भीड़ नहीं थी, लोगों में जोश भी था, ढोए हुए नहीं थे। तो इसमें ये मान के चलो कि आने वाला चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं है और मुकाबला भिवानी में अच्छा देखने। तो अब सर ये कहावत खत्म हो जाएगी सर कि भिवानी पाकिस्तान नहीं रहेगा और तक इंडिया नहीं बनेगा सर? देखो अगर आपको सीटें जीतनी है तो लोगों को विश्वास जितवाना पड़ेगा, और जब तक लोगों के अंदर ये विश्वास पैदा नहीं होगा कि हम पाकिस्तान नहीं है और हम भी वही सही है नहीं कि खरड़ी मोड़ से आगे की सड़क नहीं बनाओगे आप या महेंद्रगढ़ से इधर की सड़क नहीं बनाओगे, तो ये तो भूपेंद्र हुड्डा को भी सोचना पड़ेगा और उनको लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा, और ताकि लोगों के अंदर जो विश्वास पैदा होगा तभी वो सीटें देंगे। यहाँ से कह सकते सर कांग्रेस का बदलाव बदलाव आ चुका सर कांग्रेस के अंदर। देखो अभी समय लगेगा, देखने को मिलेगा, और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रोग्रामों में भीड़ आ रही है तो उससे लग रहा है कि बदलाव दिखाई दे रहा है। थैंक यू सर। तो बात की, बात करने का जानने का प्रयास किया सीनियर पत्रकार से सर, जो कल की रैली हुई उससे क्या मायने बने सर, और क्या छाप छुट्टी सर दादरी भिवानी की बात करें सर या बाड़ा लोहारू की बात करें, क्योंकि सर वहाँ पे जो लोग थे सर, ये बात और थी सर, वहाँ पे जो लोग थे सर वो पता नहीं अंतिम छोर से आए हुए थे सर, जैसे भाजपा कहते ना हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की ध्यान रखते हैं सर, वैसे ही लोग वहाँ से आए हुए थे, बड़े दूर दूर से लोग आए हुए थे। स्वाभाविक है, जब पार्टी का टेम्पो उठता है तो फिर जोश भी उठता है। कैसे कैसे पार्टी का ग्राफ कांग्रेस का उठता है देखा जा सकता है? ये तो देखो लोकसभा में दिखाई दे रहा है, भाई कांग्रेस ने इतना वोट लिया है, 5 सीटें जीती हैं, तो स्थापित है, पार्टी ने अपने आप को स्थापित किया है, बाकी असली दमखम तो विधानसभा में दिखाना पड़ेगा। चलो जी, आज सर ने बताया कि अगर 6 महीने में सही कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी तो दमखम बन सकता है, और ये वायु तेजाबा छोड़ के कांग्रेस पार्टी से ही निर्णायक फैसले पर उतरेगी तो टिकट कांग्रेस पार्टी की जोड़ी में देखी जा सकती है आने वाले भविष्य के अंदर। JNC न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।